पाइवेट टेबल की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीखने जा रहे हैं पाइवेट टेबल की वेरियस ऑप्शंस। जब भी हम एक पाइवेट टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी ऑप्शंस हमें मिलती हैं, तो आज की वीडियो में हम इन्हीं ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इम्प्लाइज का डेटा है। उन इम्प्लाइज ने किस डेट को क्या सेल किया और मैक्सिमम कितनी सेल है, और लास्ट में जो कॉलम है दैट रिप्रेजेंट्स टोटल सेल ऑफ एन इम्प्लाइ। तो सबसे पहले हम इसका पाइवेट टेबल क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगी, पाइवेट टेबल पे क्लिक करूंगी। तो रेंज हमारी सिलेक्ट हो चुकी है, पाइवेट टेबल हमने कहाँ पे क्रिएट करना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करना है या न्यू वर्कशीट में। मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही पाइवेट टेबल को क्रिएट करूँगी और एक लोकेशन जो है वो इसको दे दूँगी। तो जैसे ही मैंने ओके किया आप देख सकते हैं पाइवेट टेबल फील्ड डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है और ये मेरा पाइवेट टेबल का लेआउट है। सबसे पहले तो इसका हम लेआउट चेंज करते हैं। लेआउट चेंज करने के लिए मुझे इस पर राइट क्लिक करना है, पाइवेट टेबल ऑप्शंस पे जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइवेट टेबल ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स जो ओपन हो चुका है, इसमें वेरियस आगे आपको ऑप्शंस की कैटेगरीज मिलेंगी, जैसे लेआउट एंड फॉर्मेट, टोटल्स एंड फिल्टर्स, डिस्प्ले, प्रिंटिंग डेटा एंड ऑल टेक्स्ट। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं लेआउट एंड फॉर्मेट ऑप्शंस। तो ये जितनी भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रही हैं ये सारी ऑप्शंस आज हम सीखने जा रहे हैं। उससे पहले हम अपने पाइवेट टेबल को क्लासिक पाइवेट टेबल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये लेआउट बहुत ईजी है और अच्छे से आपका जो डेटा है वो रिप्रेजेंट हो जाता है। डिस्प्ले पर मैंने क्लिक किया और क्लासिक पाइवेट टेबल पर क्लिक करके ओके किया, तो ये मेरा लेआउट जो है वो आ चुका है। सबसे पहले एम्प्लॉई नेम रखूंगी मैं रो में, जोन रखना है मुझे रोज में, और जो टोटल सेल है वो भी रख दी है मैंने वैल्यूज में। तो इस तरह का पाइवेट टेबल मेरा जनरेट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा पाइवेट टेबल है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप मेरे पाइवेट टेबल को देख रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ये एम्प्लॉई आस्था की टोटल डिटेल है कि किस जोन में आस्था ने क्या सेल किया और लास्ट में है उसका टोटल। अब मैं चाहती हूँ कि आस्था शर्मा सिर्फ फर्स्ट रो में ना रहे, ये मर्ज होकर सेंटर में आ जाए। तो सबसे पहले मैंने इन सेल्स को सिलेक्ट किया, होम टैब में गए, यहाँ पे जैसे हम मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन को अप्लाई करते हैं, अगर हम वो अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपका मर्ज एंड सेंटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब भी हम पाइवेट टेबल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे ये ऑप्शन काम नहीं करती। तो मर्ज एंड सेंटर करने के लिए आपने इस पर राइट क्लिक करना है, पाइवेट टेबल ऑप्शंस में जाना है। तो यहाँ पे देखिए लेआउट एंड फॉर्मेट में सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगी मर्ज एंड सेंटर सेल्स विद लेबल्स, तो ये चेकबॉक्स को आपने टिक करना है और इसको कर देना है ओके। तो देखिए ये आस्था शर्मा जो है उसकी सारी डिटेल्स जो हैं उसके सामने ये मर्ज एंड सेंटर होके आपका नाम आ चुका है। सिमिलरली नीचे देखिए ये मनरीत की सारी डिटेल्स आ गई हैं, प्रिया की, सिड की, जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके नाम जो थे वो सारे मर्ज होके सेंटर में आ गए हैं। अगर आपने वापस इसको उसी फॉर्म में लेके जाना है तो दोबारा से आपको वही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, यहाँ से इसको हटा देना है एंड ओके। तो वापस देखिए आपका नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गया है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ अपने फिल्टर्स की। तो कई बार हमें अपनी रिपोर्ट में बहुत सारे फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं। लेट अस सपोज मुझे यहाँ पे फिल्टर्स लगाने हैं तो मैं एक नहीं कम से कम चार फिल्टर्स लगाने जा रही हूँ। मैक्सिमम सेल भी हम यहाँ पे डाल देते हैं।
तो टोटल अब आप देख सकते हैं मेरे पास 5 फिल्टर्स हैं। तो मैंने जिसके नाम यहाँ से भी फिल्टर आउट करना डेटा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और ये फिल्टर आउट हो जाएगा, दिक्कत कोई नहीं है। लेकिन थोड़ी जो इसकी प्रेजेंटेशन है, जो ओवरलैपिंग हो रही है फिल्टर की, इसको अब हमने थोड़ा चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए दोबारा से हम अपने पाइवट टेबल के राइट पे क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन है डिस्प्ले फील्ड्स इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने फिल्टर का जो आपकी ओवरलैपिंग हो रही है उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी ओवर देन डाउन, रिपोर्ट फिल्टर फील्ड पर रो, एक रो में आपने कितने फिल्टर फील्ड रखने हैं। तो जैसे मैंने 2 किया एंड इसको ओके किया, तो अब आप देख सकते हैं एक में 2 आ गए हैं और एक में 3 आ गए हैं। अगर मेरे पास टोटल 6 होते हैं यहाँ पे फिल्टर्स, तो 2 2 2 इस तरह से मेरे जो फिल्टर्स हैं इसका लेआउट जो है वो बन जाता। तो थोड़ा डेटा की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस ऑप्शन से अच्छी हो जाती है, आपका डेटा दिखने में अच्छा लगेगा और इजीली आप उसको एनालाइज कर सकेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारी एरर से रिलेटेड या फिर एम्प्टी फील्ड से रिलेटेड। कई बार क्या होता है कि हमारे जो डेटा में कुछ एरर्स आ जाते हैं। अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 1/0, एंटर कर दिया, कुछ फील्ड्स में मैंने एरर दे दिया, तो 3 फील्ड्स में मैंने एंटर दे दिया अपने डेटा में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा पाइवट टेबल अपना पहले चेंज करूँगी, यहाँ से मैं फिल्टर्स को हटा दूँगी। तो रो में हम रखेंगे, जोन रखेंगे रो में, ये आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब इस पर राइट क्लिक करके मैं इसको करूँगी रिफ्रेश। तो जैसे मैंने रिफ़्रेश किया वैल्यूज़ में, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइड बाय ज़ीरो आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि डेटा में मैंने डिवाइड बाय ज़ीरो लिखा है। तो अगर ऐसी कभी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपके डेटा में कोई एरर है और वो एरर आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है पाइवट टेबल में, उसको हटाने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, लेआउट एंड फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट में ऑप्शन है, सबसे पहले है फॉर एरर वैल्यूज़ शो। इस चेकबॉक्स को आप चेक करेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है फॉर एम्प्टी सेल्स शो। अगर मेरे डेटा में कोई एम्प्टी सेल है तो उस टाइम पर मुझे क्या डिस्प्ले करना है, तो वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। तो मैंने एरर के लिए वैल्यू दे दी है 0000 और एम्प्टी सेल के लिए मैंने ये हाइफ़न्स दे दिए हैं। और जैसे मैं इसको ओके करूँगी, जहाँ जहाँ पर मेरा डेटा में ये देखिए ये ज़ीरो आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा अब जो डिवाइड बाय ज़ीरो एरर था वो रिप्लेस हो गया है ज़ीरो से। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। अब नेक्स्ट ऑप्शन आप देखिए क्या है, नेक्स्ट मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक है ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे ही मेरा पाइवट टेबल अपडेट होगा या मेरा डेटा मैं चेंज करूँगी, तो ऑटोमेटिकली जो कॉलम्स की विड्थ है वो चेंज हो जाए। तो इस केस में हम पाइवट टेबल थोड़ा चेंज करते हैं, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को चेंज कर देती हूँ। तो देखिए अब मेरे पास ये एम्प्लॉइज़ के नेम है। अब मैं अपने डेटा में थोड़ा सा चेंज करती हूँ, जैसे ये मनरीत लिखा हुआ है या फिर जो
एसिड लिखा हुआ है, इसका मैं पूरा नाम लिख देती हूँ, सिद्धार्थ इनाया देशमुख। तो मैंने ये नेम दे दिया है और यहाँ पे अपने राइट क्लिक करके इसको रिफ़्रेश कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको रिफ़्रेश किया, मेरा जो नेम है वो ऑटोमेटिकली जो कॉलम की विड्थ है वो इंक्रीज़ हो गई जैसे मैंने नंबर ऑफ़ करेक्टर्स इंक्रीज़ किए। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ऑप्शन में इसको सिलेक्ट किया हुआ है। ये देखिए ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, ये चेकबॉक्स को मैंने चेक किया हुआ है, मतलब जैसे ही मेरा कोई अपडेट होता है कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। इसका क्या मतलब है कि कोई भी सेल फॉर्मेटिंग अगर मैंने की हुई है अपने पाइवट टेबल में और मैं डेटा में कुछ चेंजेस करके पाइवट टेबल को अपडेट करती हूँ, उसको रिफ्रेश करके अपडेट किया, तो जो सेल फॉर्मेटिंग है वो प्रिजर्व रहे, वो सेम रहे, वो जाए ना। तो ये ऑप्शन को करके देखते हैं। थोड़ा सा पाइवट टेबल में हम अभी चेंजेस करेंगे। तो अब हम यहाँ पे इन सेल्स की फॉर्मेटिंग करते हैं। तो मैंने ये सेल्स को सिलेक्ट किया, ये सेल्स मेरे सिलेक्ट हो गए हैं। अब मैं होम में जाऊंगी और मैंने इनको एक कलर प्रोवाइड कर दिया है। अब मैं अपने डेटा में कुछ चेंजेस करूंगी। जैसे आप देख सकते हैं ये अनाया है, इसकी हम वैल्यू को चेंज करेंगे। मैंने इसकी वैल्यू कर दी है 1, 2, 3। और अपने टेबल को मैं जाके रिफ़्रेश करूँगी, तो जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया देखिए सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है 123, जो सेल की आपने फॉर्मेटिंग की थी, जो कलर दिया था वो आपका सेम रहा। अब हम बात करते हैं अगर हम इस ऑप्शन को चेक नहीं करते, अनचेक करके देखते हैं। तो देखिए ये फॉर्मेटिंग हट चुकी है। अब मैं दोबारा से इस पर फॉर्मेटिंग करती हूँ और अब मैं दोबारा से इन आया की वैल्यू जो है वो चेंज कर देती हूँ। 4, 5, 6 वैल्यू मैंने ले ली है और अपने पाइवट टेबल को रिफ्रेश करती हूँ। तो देखिए वैल्यू चेंज हो गई है 456 और उसी के साथ जो सेल की फॉर्मेटिंग हमने की थी, जो कलर हमने प्रोवाइड किया था पाइवट टेबल को, वो सारा क्या हो चुका है, यहाँ से हट चुका है। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए हम पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट चेकबॉक्स पे आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो आपकी हमेशा सेल फॉर्मेटिंग जो है वो प्रिजर्व रहेगी, चाहे आप डेटा को कितना भी अपडेट करते रहे। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने सीखा कैसे हम पाइवट टेबल ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, लेआउट एंड फॉर्मेट सेटिंग्स को कैसे आप अपने पाइवट टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।